सो हाय एवरीवन, क्या था कि हम लोग जो देखी अभी तक वो कॉपी में देखे कि प्रिज्म का कैसे वहाँ पर डाइवर्ट होता है। तो प्रिज्म कुछ इस तरह का होता है ना, ग्लास का होगा इस तरह का होगा प्रिज्म। तो इसमें अब हम लोग डायग्राम करके देखेंगे कि हम लोग का फॉर्मूला सही है कि नहीं है। ठीक है, हम लोग का फॉर्मूला क्या था, डेल इज इक्वल टू आई वन माइनस आई टू, आई वन प्लस आई टू माइनस ए, ये था हम लोग का प्रिज्म का फॉर्मूला। तो ये हमारा प्रिज्म है कि जहाँ पे ये ऊपर का जो पार्ट है वो एंगल ऑफ प्रिज्म रहता है। तो जनरली हम लोग का फॉर्मूला क्या है, हम लोग का फॉर्मूला है ये जो एंगल है डेविएशन, ये डेविएशन इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस ए, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ पे ए का मान कितना है आर वन प्लस आर टू, तो ये वाला हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सही है कि नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं डेविएशन को हम लोग डी मानेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रिज्म है, यहाँ पे हम लोग इसको पहले स्ट्रेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का ट्राइंगल आ गया, ये हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अब हम लोग एक इसमें ड्राइंग करेंगे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ड्राइंग हम लोग बताए थे वैसे ही कंस्ट्रक्शन ड्राइंग हम लोग को करना है। एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, इसको स्केल रख के एकदम स्ट्रेट करना है, क्योंकि कॉपी में बताते वक्त हमारा एक हाथ से हमें डिजाइन करना पड़ता था, तो इसलिए वहाँ पे स्ट्रेट नहीं होता था, बट यहाँ पे पूरा ये स्ट्रेट रहेगा 90 डिग्री। ओके, तो हम लोग एंगल पुट करेंगे यहाँ पे 90 डिग्री। देखो इसको 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया हमारा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, इसको हम लोग सेंटर में रखते हैं, ये लाइन का जो मिड पॉइंट है यहाँ पे है, इसके मिड पॉइंट के साथ इसको इंसिडेंट कर देंगे, और इस लाइन का मिड पॉइंट के साथ ये हो गया। तो हमारा 90 डिग्री भी है और मिड पॉइंट भी है, तो एक्स्ट्रा जो लाइन यहाँ पे बनेगा ना इसको ना डा देना है, ऐसे रखना है। और हमें कौन सा एंगल निकालना है, हमें टोटल का एंगल निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, हम लोग सम्स कैसे करेंगे। तो हम लोग देखते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, ये है ए, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म है 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो एंगल 60 डिग्री होगा। तो इसको हम लोग इसीलिए मतलब रखे हैं जिससे कि हम लोग को सम्स करने में इजी रहे। ठीक है, ओके, नाउ वी स्केच में आते हैं। इंसिडेंट रहा, यहाँ से ऐसे निकला, यहाँ पे गया, कोई भी यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे जाएगा, क्योंकि जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट होता है वहीं से 90 डिग्री हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे डाइवर्ट किया, फिर यहाँ से निकला। तो टोटल टोटल ऑल टोटल भी इस तरह का डायग्राम रहेगा, यहाँ से रह गया, यहाँ से निकला है। तो इसको एक्चुअली जाना कहाँ था, इसको जाना था यहाँ पे स्ट्रेट। ठीक है, ये लाइन को स्ट्रेट यहाँ पे जाना था, लेकिन ये गया कहाँ पे, ये यहाँ पे गया। इसको हम बैक रोड यूज किए, मतलब पीछे से इसको निकाले हैं। ठीक है, इसको थोड़ा खींच देंगे, लंबा कर देंगे, इसको थोड़ा ऐसा। ठीक है, तो हमें हमें ये एंगल निकालना है, डेविएशन का एंगल, ये एंगल निकालना है हमें, ये एंगल निकालना है, और देखना है कि ये हम लोग सम्स किए थे वो सब सही है कि नहीं। तो ये एंगल हमको निकालना है डेविएशन का, ये एंगल निकालना है। ओके, तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल हम मेजर करेंगे। तो फिर हम लोग एक एंगल रखते हैं, मान लो अगर हम लोग रखते हैं 30 डिग्री,
ज़्यादा स्ट्रेट हो जाएगा। 38 रख के हम लोग रखते हैं इसको से 50 डिग्री, 50 डिग्री सही है, इसको एंगल रखते हैं 50 डिग्री। तो हमारा I1 क्या हो गया, तो यहाँ पे सम्स करेंगे फिर, तो हमारा जो हमारा हमारा जो I1 है वो क्या है, हमारा I1 है 50 डिग्री। ठीक है, I1 है 50 डिग्री, तो हम लोग I1 को 50 डिग्री रखेंगे, 50 डिग्री। और हमारा हमारा I2, तो I1 हम लोग वहाँ पे 50 डिग्री किए थे, और I2 हम लोग देखेंगे कितना आ रहा है, वहीं पे जाकर I1 50 डिग्री है, तो R1 हमारा कितना हो रहा है, R1 देख लो, R1 हमारा आया है 30 डिग्री। ठीक है, और R1 हमारा आया है 30 डिग्री, तो R2 कितना आएगा, R2 भी हमारा उस हिसाब से आया है 30 डिग्री। ठीक है, और ये है I2, I2 हमारा कितना है, I2 फॉर एग्जाम्पल हम लोग I2 को भी 50 डिग्री को करते हैं, तो I2 हमारा 50 डिग्री है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, 60 डिग्री हमें पता है, एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो 60 डिग्री है, तो हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म को पुट करके बाद में अपना आंसर निकालेंगे। तो ये हमें डेविएशन निकालना है, तो लेट्स डू, I1 हमें मिल गया, I2 हमें करना है, I2 में इक्वल टू 50 डिग्री, R1 कितना था, R1 था 30 डिग्री, वहाँ पे R1 कितना, देखिए R1 है 30 डिग्री। ठीक है, और R2 कितना है, R2 है 30 डिग्री। ठीक है, तो A का फॉर्मूला क्या है, A क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 ये ना होता है, तो R1 प्लस R2 A 30 प्लस 30 कितना होगा, 60 होगा, 60 डिग्री, तो हमारा वहाँ भी 60 डिग्री ही है आंसर। देखो यहाँ पे भी हमारा 60 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है हमारा, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब यहाँ पे सही है। अभी अब जाके हमें और एक चीज़ देखना है, वो है ये फॉर्मूला सही है कि नहीं, डेविएशन इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस है, डेविएशन को हम लोग डी पकड़ रहे हैं, डी इज इक्वल टू I1 प्लस I2 मतलब 50 प्लस 50 माइनस ए, आंसर देना माइनस ए, माइनस ए, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 60, हाँ 60, तो बराबर कितना आया, 100 माइनस 40 डिग्री, डेविएशन एंगल कितना हो गया 40 डिग्री। तो डेविएशन एंगल हम लोग देखेंगे, डेविएशन एंगल कितना आ गया 40 डिग्री। तो हमारा प्रूव हो गया कि हम लोग जो सम्स किए वो सही है, डेविएशन एंगल 40 डिग्री होगा, फिर अगर यहाँ से जाएगा तो यहाँ से निकलेगा और एंगल यहाँ पे 40 डिग्री होगा, तो एक्चुअली यही प्रिज्म होता है। ठीक है, हम इसको थोड़ा और चौड़ा करते हैं जिससे कि तुम लोग को समझ में आए कि प्रिज्म में कहाँ से लाइट घुसता है और कहाँ से निकलता है। ठीक है, तो जस्ट वेट एंड वॉच, तो ये मैं इतना चौड़ा कर दिया, तो प्रिज्म कितना चौड़ा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, प्रिज्म के एंगल से फर्क पड़ता है, इसका 60 डिग्री एंगल है, तो रे ऐसे ऐसे जाता है, ओके, इसको इसको थोड़ा स्ट्रेट रखते हैं, रे ऐसे जाता है और ऐसे निकलता है, तो
यहाँ ये एक्चुअली ऐसा फेस है, ये ऐसे जाता है, यहाँ से जाता है और यहाँ से निकलता है, तो जाना चाहिए इसमें स्ट्रेट, लेकिन गया है इस तरफ से, इस तरफ। तो ये जो एंगल है इसको हम डेविएशन करते हैं, और ये डेविएशन का एंगल हमारा कितना है 40 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आई वन, फिर से बोल रहा है ये आई वन एंगल ऑफ इंसिडेंस वन, ये एंगल जो है ये आर वन, ये एंगल जो है आर टू, ये एंगल है आई टू, और ये है डेविएशन एंगल डेल, ठीक है, ये ऊपर का एंगल ऑफ प्रिज्म, फाइन। आई होप कि तुम्हारा यहाँ तक क्लियर हो गया।